लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक की राजनीति में तूफान आया हुआ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं। इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रज्वल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, पार्टी ने भी उनसे दूरी बनाने का मन बना लिया है। ऐसे में कर्नाटक में जेडीएस सांसद के महिलाओं का शोषण करने के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। तो क्या है ये खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का कुनवा कर्नाटक में महिलाओं के शोषण के आरोपों में घिर गया है। जेडीएस के विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। अब इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि साल 2023 में होलन रसीपुरा से बीजेपी उम्मीदवार रहे देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को पत्र लिखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लिखा कि एनडीए उम्मीदवार और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवेगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। जो पेन ड्राइव बरामद किया गया है उसमें लगभग 3000 वीडियो हैं। इनमें दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं। इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर हम हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो ये वीडियोस ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने पत्र में उन्होंने कहा कि गठबंधन के चलते हमारी पार्टी पर महिलाओं के शोषण करने वाले का समर्थन करने का आरोप लग सकता है। बीजेपी नेता ने जेडीएस के साथ गठबंधन तोड़ने की सलाह भी दी है। गौड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना है, ऐसा लगता है कि वो अपराधी है, इसलिए मैं उसे तत्काल पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहा हूँ। वहीं इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं कर्नाटक राज्य मंत्री आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा कि मैंने सीएम को पत्र लिखा और एसआईटी का गठन किया गया। जो पेन ड्राइव मुझे मिली है उसमें सैकड़ों वीडियो हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।